SKM 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। सेकुलर मुल्क भारत की फिरका परस्त पार्टी BJP ज्वाइन करने के 2 से 3 महीने के पीरियड में एक खातून MP को लोकसभा इलेक्शन में अपनी हार का सामना करना पड़ा। हारी हुई इस खातून MP से आप और हम सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक करते हुए हिंदुओं के वोट्स हासिल करने के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान सिर्फ 15 सेकंड वाला बयान दिया था और साथ में छोटा बोलकर AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर खुद को कुछ दिनों तक सुर्खियों में भी रखा था, मगर फिर भी वो MP का इलेक्शन जीत नहीं सके और हार गए। जी हां नाज़रीन, इस खातून लीडर का नाम नवनीत राणा है, जो फिल्मी दुनिया से सियासी दुनिया में कदम रखा और फिर एक MLA रवि से शादी भी कर ली और फिर 2019 में महाराष्ट्र के अमरावती कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मुकाबला करते हुए MP का इलेक्शन भी जीत गई थी। इसके बाद से वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जारी रखते हुए अपने 4 से 5 साल के पॉलिटिक कैरियर में कभी भी इस तरह के फालतू बयान नहीं दिए थे और मार्च 2024 में BJP को ज्वाइन कर लिया और इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान BJP के दूसरे लीडर्स की तरह से इस तरह का फालतू बयान भी दिया था। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर शेख जहांगीर की यह खसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर खास और अहम खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूले। हिदाया जूनियर कॉलेज, वी प्रोवाइड रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, JEE मेंस, CA फाउंडेशन अलॉन्ग विद रेगुलर IPE कोर्सेज। हिदाया ऑफर्स कोर्सेज MPC, BIPC, CEC, MEC and HEC. Separate campuses for boys and girls with best-in-class infrastructure along with Islamic education and Quran classes. We are located at Mehndipatnam, Chandrayan Gutta and Santosh Nagar. Registrations are open. Hurry up. Visit today.